दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चलाने वाले हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है, और यदि आप बेहतर तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, जो कि यार हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे केवल। ओके, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट। और पिछली वीडियो हमने आपको बता दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कैसे करना है। ओके, और अभी तक यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है जो कि सेक्शन सी के अंतर्गत हमारा ग्रामर का सेक्शन आ रहा था बच्चों, तो जिसमें हमारा है सबसे पहले टॉपिक ही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, या आप कह सकते हो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, किसी वक्ता द्वारा, यानी कोई स्पीकर है, यानी कोई कहने वाला है, बोलने वाला है। ओके, उसके द्वारा कही हुई बात एकदम सीधे शब्दों में व्यक्त कर दिए जाए, एकदम सीधे शब्दों में व्यक्त कर दीजिए, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। नोट कर लो आप। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा डायरेक्ट स्पीच, और इसी का अपोजिट होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है बच्चों, यानी वक्ता द्वारा कही हुई बात को सीधे शब्दों में ना बता करके घुमा फिरा कर बता दी जाए, वो क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके, यानी जैसे डायरेक्ट स्पीच में दे दिया गया कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कॉमा डबल नोट कॉमा, कि ही इज गोइंग टू लखनऊ। ओके, फुल स्टॉप डबल इंटर कॉमा क्लोज। ओके, कि राम सेड टू मी ही इज गोइंग टू लखनऊ, राम ने मुझसे कहा कि वह कहाँ जा रहा है बच्चों, लखनऊ जा रहा है। ओके, इसमें क्या हो गया देखो बच्चों, इसमें दो वाक्य हो गए हैं, एक तो राम ने मुझसे कहा, यानी राम मुझसे कह रहा है, और ही इज गोइंग टू लखनऊ, एकदम सीधे शब्दों में कह दे रहा कि राम, यानी राम ने उसे कहा कि वह लखनऊ जा रहा है, एकदम सीधे शब्दों में। ओके, तो इसमें दो दो वाक्य दे दिए गए हैं, जो बच्चों ये यहां से यहां तक होगा वाक्य, ये हमारा बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे आप शॉर्टकट में कह सकते हो बच्चों आरबी। ओके, आरबी, या आप इसे पहला वाक्य भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, पहला वाक्य। ओके, यानी रिपोर्टिंग वर्ब याद रखने के लिए आरबी, क्या आरबी। और अगला जो हमारा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंतर्गत ये जो वाक्य है बच्चों, इसे बोला जाता है आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्या कहा जाएगा बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, यानी आरएस कहा जाएगा, या आप कह सकते हो दूसरा वाक्य। ओके, तो ये बच्चों हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, एक एग्जांपल के माध्यम से तुमने समझ लिया। हो गए, चलो अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत क्या आता है बच्चों। अभी हमने हाल ही में आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जो कर्ता द्वारा कही हुई बात को सीधे शब्दों में ना बता करके घुमा फिरा कर बताया जाए। ओके, वो क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे यही देखो दे दिया गया है, चलो इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे राम टोल्ड Me that I was होगा बच्चों, सॉरी, आई वर गोइंग टू लखनऊ। ओके, फुल स्टॉप। राम टोल्ड मी दैट आई वर गोइंग टू लखनऊ, राम ने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा था। ओके, ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये
इनडायरेक्ट हो गया, ओके, यानी दैट नामक कंजंक्शन लग गया और दो वाक्य जो थे एक हो गया, ओके, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है हमारा बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आई होप फुली आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब इसके कुछ बच्चों स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टेप होते हैं जिसके द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो तब तक इसको हम बच्चों इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के स्टेप्स कितने होते हैं, चरण कितने होके होते हैं। ओके, तो इसके बच्चों कुल पांच चरण होते हैं, कितने, पांच चरण होते हैं, चार और एक पांच, ओके, कुल पांच स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ओके, नंबर एक होता है बच्चों आपका असर्टिव सेंटेंस, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, आई होप बच्चों आपको फुली ये जो स्पेलिंग हम लिख रहे हैं आपको फुली तरीके से समझ में आ रही है। ओके, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होता है, इंटेरोगेटिव, ओके, दूसरा हमारा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप है बच्चों हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, ओके, और चौथा जो हमारा स्टेप है एस्क्लामेटरी सेंटेंस, एस्क्लामेटरी सेंटेंस, ओके, और सबसे लास्ट जो हमारा स्टेप है बच्चों वो है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ओके, तो ये बच्चों कुल हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ पांच चरण हो गए, स्टेप्स हो गए। ये बच्चों हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर से, जिसमें हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ओके, तो चाहिए आप इसे पार्ट वन मान सकते हो या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमारी इंग्लिश की जो सीरीज है स्टार्ट हो जा रही है बच्चों, और यदि आप बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर ठोकना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ओके, जिससे उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। ओके, तो बच्चों तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और नए बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।